अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिला बरनाला के महल कला का वो कत्लकांड आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। 21 साल पहले किरणजीत कौर को स्कूल से वापस आते समय सियासत में रसूख रखने वाले कुछ गुंडों ने 29 जुलाई 1997 को महल किला की ही एक प्लस टू में पढ़ने वाली विद्यार्थी किरणजीत कौर के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद कत्ल करके अपने ही खेतों में उसकी लाश को गाड़ दिया था। सियासी पहुंच होने के कारण पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। एक्शन कमेटी बनाकर संघर्ष किया गया, तब जाकर कार्यवाही हुई थी। हर साल एक्शन कमेटी द्वारा बरसी पर लोगों को गुंडा अनशनों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित और लड़कियों को अपने हकों के प्रति जागरूक किया जाता है। एक्शन कमेटी ने बोलते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन या सरकारें कुछ भी कहें, लेकिन आज भी देश की बेटियों पर जुल्म हो रहे हैं। गुंडे अक्सर अपनी पहुँच के चलते नशे में धुत हो लड़कियों से छेड़छाड़, मारपीट और बलात्कार की घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। अगर अभी कुछ कड़े कदम न उठाए गए तो बुरे असर बढ़ते जाएंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लीडर सुखपाल सिंह खेरा भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी श्रद्धांजलि समागम में श्रद्धांजलि भेंट की। बरसी दी मैं बेनती करना कि बहुत जो जारू लोग ने महल कलां दा जिहड़ा अज इकट्ठ होया सी एक्शन कमेटी और लोग, 21 साल बाद भी इन्हां दा जज्बा, 21 साल बाद पंजाब दे हालात, औरतां दे खिलाफ क्राइम घटना चाहिदा सी पर वधिया वा। परसों चौथ मैं जोगोवाल जट्टां गुरदासपुर गया वहाँ, उत्थे 8 साल की लड़की के नाल बलात्कार किया गया, कतल किया गया। जम्मू तुहाडे लागे लागे हिमाचल प्रदेश दिल्ली पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा इस दुख की गल है कि 21 साल निकार आया ना कि औरतों की या आम नागरिक की प्रोटेक्शन वधी। अज जी किरणजीत की 21वीं बरसी है, ये सिर्फ एक किरणजीत को शरदा तो फुल भेंट कर तक सीमित नहीं, ये औरतों के उत्ते जबर जुलम के खिलाफ एक संघर्ष का प्रतीक बनी है। वो औरतों के उत्ते जबर जुलम के खिलाफ एक दिहाड़ा मनाया जाता है। इतने जोड़े बच्चे ने, नौजवान बच्चे ने या छोटे बच्चे ने, उन्होंने वधिया सभ्याचार भी दिखाया जाता है। नाटक के कोरियोग्राफी राही लोगों को सचेत किया जाता है कि आने वाले समय के औरतों के जबर जुलम के खिलाफ जोड़िया समस्यावान इतने किसान मजदूर मुलाजमान दिया किरतियां दिया उन्होंने खिलाफ जो जिंदगी समस्यावान आदि ने उन्होंने की हल है। पंजाब की तो केंद्र की सरकार है किमें लोगों दबे पुचले दलित लोगों को कुटमार कर रही है, ये सारा कुछ इतने लोगों को सचेत किया जाए। 1997 शहीद बच्ची किरणजीत स्कूल के पढ़ के अपने घर में वापस जा रही थी, तो रास्ते दे जड़े गुंडे सी जिहड़ा गुंडा परिवार काफ़ी लंबे समय तो 50 साल तो बदमाशियां करता आया सी, तो इन्हां दे काकियां ने वो उसके रास्ते दे दरख्त सट के तो उन्होंने किडनैप कर लिया। किडनैप करन तो आपके खेत दे विच लिजा के बलात्कार करन तो बाद कतल करता सी, ते लाश आपके खेतों के दबती सी। पुलिस ने परचा दर्ज नहीं सी करिया। 5 दिनों तो बाद इलाके की एक्शन कमेटी बनी, जथेबंदियों के आधारित संघर्ष बिढ़िया गया। संघर्ष बिढ़ण तो जी 11 दिन बाद मतलब बच्ची की लाश उन्होंने गुंडिया के खेतों के बरामद कराई, गुंडिया अरैसट कराया। लोग लड़े, संघर्ष लड़न तो बाद उन्होंने सजावं दवाइया, उल्टा उदू बाद गुंडिया का एक सरगना अदालत के तरीक से आया, निजी लड़ाई के कुटण तो बाद मारिया गया, कतल हो गया। पर एक्शन कमेटी के जोड़े जुझारू आगू से उन्होंने उस झूठे कतल केस के फसाया गया, जिदे सानू निर्दोष आगू 20 साल की उम्र कैद की सज़ा हुई। उस तो बाद पंजाब के लोग फिर लड़े इस सज़ा के खिलाफ, 1.5 साल सानू जेल के रहना पिया। 1.5 साल तो बाद सानू लोगों ने जेल के कढ़ा लिया, संघर्ष किया, तो गवर्नर पंजाब ने ते पंजाब सरकार ने सानू निर्दोष करार दिता, सज़ा रद्द की। उस तो बाद जी अदालतों ने मोड़मा उस गवर्नर के फैसले को रद्द करके सानू मैनू दुबारे सज़ा की, तो साथियों अपील के बरी किया। अज केस है जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट के विच है, सुप्रीम कोर्ट फिर उम्र कैद की सज़ा बहाल कर चली है, तो लोग मंग कर रहे ने जिहड़ा 2011 के गवर्नर रीथिंक करने वास्ते भेजिया सी, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर का अधिकार नहीं खोया, उन्हें दुबारे सोचने वास्ते कहा सी, पर गवर्नर ते पंजाब सरकार चुप है। अज का कट्ठ इस गल का ललकारा मारिया भी इस झूठी सज़ा को खत्म कराने वास्ते पंजाब सरकार दे ते गवर्नर ते मतलब
ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਓ। हर न्यूज के लिए बरनाला से परवीन ऋषि की रिपोर्ट।